नमस्ते। समय पर बंधन की और एक कहानी, हास्य कथा जैसे है, काल्पनिक है। एक लड़के को समुंदर के किनारे एक बोतल मिली, तो उसने वो ढक्कन खोला तो उसमें से एक जीन निकला। ये कथा तो मालूम है ना आपको, बोतल में से जीन निकलता है, फिर वो कहता है कि मेरे आका, मैं आपका गुलाम हूँ, आप मुझे जो काम बताओगे मैं करूँगा। तो ऐसा ही हुआ, उस जीन ने, राक्षस ने, जो कुछ भी आप उसको बोलोगे, तो उसने कहा उस लड़के को कि आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ और तुम जो काम मुझे बताओगे वो मैं करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे आपको सतत काम देना पड़ेगा, कंटिन्यूसली काम देना पड़ेगा। यदि मैं काम नहीं करूँगा तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा, मुझे काम देना ही पड़ेगा सतत। तो अब वो लड़के ने सोचा कि ठीक है, देंगे काम तो क्या, भरपूर होते हैं हमारे पास, बहुत सारे, ढेर सारे काम होते हैं, तो उसको बताएंगे तो वो करता रहेगा। अब उसने खाना खिलाने के लिए बोला, एक पैलेस जैसा बढ़िया मकान बनाने के लिए बोला, अपना पूरा होमवर्क करने के लिए बोला, वगैरह वगैरह, जो कुछ भी उसको चाहिए था वो सारी चीज़ें उसने मांगी, और उस जिन ने सभी चीज़ें एक के बाद सारी चीज़ें पूरी कर दी, उसकी मांग जो ही थी पूरी कर दी। अब उसके पास काम नहीं था, तो अब उसने सोचा कि अब क्या करें, नहीं तो क्या वो जीन मुझे खा जाएगा। तो उसने एक आइडिया निकाली, एक सोचा, उसने कहा कि ये समय का प्रॉब्लम है, इसलिए उसने जीन को कहा कि देखो भैया, ये समय जो है ना वो मुझे तकलीफ देता है, समय चला जाता है, मेरे हाथ से छूट जाता है, समुंदर की लहरें कैसी आती है, एक के बाद आती है लेकिन वो तुरंत पीछे चली जाती है, तो वैसे ही समय जो है मेरे हाथ से छूट जाता है, तो मुझे जो कुछ भी करना है वो कर नहीं पाता मैं। तो इसलिए काम करो, तुम, जीन को बोला कि तुम एक काम करो, इस समय को पकड़ लो, मेरे लिए कैद कर लो, तो फिर मैं बहुत सारी चीज़ें कर पाऊँगा। अब वो जीन समय को पकड़ने के लिए निकला, तो आप तो हंसोगे ना, समय को कोई पकड़ सकता है, कोई नहीं। तो वैसे ही वो जीन तभी से लेकर के आज तक समय को पकड़ने में बिजी हो गया और वो समीर को खा नहीं पाया। ये ठीक है, काल्पनिक कथा है, लेकिन हमें सीखना क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमें बोध क्या लेना है इससे, कि समय को हम पकड़ नहीं सकते। एक बार समय निकल गया हाथ से, छूट गया, तो वो छूट गया, फिर से वो नहीं मिलता आपको, कब भी नहीं मिलता। तो इसलिए समय को पकड़ने की कोशिश मत करो, समय का सदुपयोग करने की कोशिश करो, उसका अच्छा उपयोग करो, जिससे कि हमें जो अच्छे अच्छे काम करने हैं वो हम कर पाए, नहीं तो फिर से समय निकल जाएगा और जीन जैसा आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। बराबर है ना? धन्यवाद।